नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी, आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। उज्जैन में आलोट संसदीय क्षेत्र के बसपा के घोषित प्रत्याशी सतीश परमार ने बसपा के वरिष्ठ नेता, स्टार प्रचारक एवं जॉन इंचार्ज भगवान लाल बरोड़ा, समाजवादी पार्टी के संभागीय अध्यक्ष राधेश्याम पवार, जिला अध्यक्ष धन्नालाल सोलंकी व पार्टी कार्यकर्ताओं और सैकड़ों समर्थकों के साथ टावर चौक पर बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। भीषण गर्मी एवं चिलचिलाती धूप के बावजूद पार्टी कार्यकर्ता व समर्थकों में काफी जोश देखा गया। सभी टावर चौक से निर्वाचन कार्यालय तक वाहन रैली के रूप में पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा में बसपा प्रत्याशी सतीश परमार ने बताया कि देश की दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस व भाजपा ने बेरोजगार युवकों व किसानों के साथ छलावा किया है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। आपने कहा कि उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने यदि मुझ पर विश्वास जताया और जीत का आशीर्वाद दिया तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और प्राथमिकता के साथ सुरसा की तरह मुंह बाएं खड़ी बेरोजगारी की ज्वलंत समस्या से ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के युवाओं को निजात दिलाऊंगा। आगे आपने कहा कि देश की बड़ी पार्टियों ने किसानों के नाम पर वोट मांगकर सत्ता जरूर हथिया ली मगर अपने वादों पर खरा नहीं उतर पा रही है। इससे किसानों और बेरोजगार युवकों का इन पार्टियों से मोह भंग हो चुका है और युवा, तरुणाई और किसान नए विकल्प की तलाश में है और इनकी आशा के अनुरूप विकल्प सिर्फ एक ही है, बसपा। यदि जनता के नेतृत्व प्रदान किया तो बेरोजगारी और किसानों की समस्या पर बनाए गए प्लान को पहली प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित करने का लक्ष्य रहेगा। आपने बताया कि रविदास समाज के संसदीय क्षेत्र में 4 लाख मतदाता हैं। वे पिछले 2.5 दशक से बसपा के कर्मठ, जुझारू व सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। इसी के चलते वर्ष 2005 में आप बसपा से पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। युवाओं के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या है? हमारे लिए जो है हर बहनी माननीय मायावती जी प्रधानमंत्री बनती है देश की, हर घर में नौकरी और हर हाथों काम। किसानों का क्या प्रमुख मुद्दा रहेगा? किसानों के उनके उसका जो है मूल्य का वाजिब दाम मिलेगा और उनके साथ में बिल्कुल जो है किसी भी तरह का सुधर नहीं होगा। महिलाओं के लिए भी कुछ प्रमुख मुद्दे हैं? हाँ, विशेष रहेगा क्योंकि हमारी राष्ट्रीय बहन मायावती जो महिला है, महिलाओं का शोषण नहीं होगा, पूरी सुरक्षा की जाएगी और महिलाओं के सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। क्या नाम है आपका? सतीश परमार। खबर समय जगत के लिए उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।